अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के मेरठ टिकरी गांव में हुए परविंदर हत्याकांड का 11 दिन बाद भी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। इसका विरोध करते हुए आज सपा व रालोद कार्यकर्ताओं ने थाना जानी परिसर में धरना प्रदर्शन किया। विशेष बात यह भी रही कि इसी विरोध प्रदर्शन में महिलाएं व बच्चे भी शामिल रहे। बीते सोमवार को भी थाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, तब पुलिस ने जल्द ही हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस पर आज थाना परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। दरअसल टीकरी गांव में परविंदर के खेत पर चारा काटते समय गर्दन रेतकर और सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया था। रालोद नेता संजय चौधरी ने इस मौके पर यह जानकारी दी। देखिए, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा भाई 11 दिन पहले परविंदर यहाँ टीकरी गांव का निवासी था, उसकी भयानक तरीके से हत्या कर दी गई। 11 दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की गई। ये गांव में आक्रोश है, तो कल लोकदल ने अपना धरना कहा है कि गांव सभी गांव के लोगों के साथ मिलके यहाँ धरना दिया जाएगा, मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम यहाँ आ गए हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, जिनका जो जिसके साथ घटना घटी है उनकी घरवाली यहाँ मौजूद है। न्याय हमें चाहिए, न्याय हम लेके जाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।